हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, सीटेट की 20 अगस्त को लेकर हमने सीरीज स्टार्ट की है, वो स्टार्ट की है 30 डे की, यानी 30 क्लास होंगी, 30 दिन में होंगी। उसमें से मैं आपको वो पॉइंट पढ़ाऊंगा जो आपको डिक्टो पेपर में मिलेंगे, जिसमें मेरी 30 दिन की क्लास में आपको कंपलसरी 80 से 90 क्वेश्चन मिलेंगे। ये वाला टारगेट मैंने लिख दिया, 75 से 80, 80 से 90 के कंपलसरी क्वेश्चन मिलेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की बात करो। सृजनात्मकता से कंपलसरी आपको 3 क्वेश्चन देखे जाएगा, इस वाली वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होती किसे कहते हैं और क्रिएटिविटी कहलाती क्या है? देखो, थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है खोज या आविष्कार। इसका अर्थ क्या? खोज या आविष्कार। देखो, समझने वाली बात है, जितनी बार हम इस वाली वीडियो में क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता की बात करेंगे, तो किसी न किसी नवीन वस्तु, नवीन विचार की बात करेंगे, यानी नए नए शब्दों की बात करेंगे। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए क्रिएटिव, इसके जनक कौन है? तो आपको बताना दोस्त, टॉरेंस इसके जनक है। अगर आपसे पूछे सृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको बताना टॉरेंस है। अगर वो आपसे ये पूछता कि स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, तो दोस्त आपको बताना लिंड जी है। कौन है? लिंड जी है। तीसरा आपको बताना, सृजनात्मक शब्द का पूछे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें अगर दोस्त वो आपसे, तो आपको बताना एडलर है। कौन बताने? एडलर बताने। अब समझने वाली बात, यहां पर तीन तरीके से अगर वो आपसे पूछता है कि क्रिएटिविटी लैटिन भाषा के किस शब्द से होना है, तो आपको बताना क्रिएट यानी खोज या आविष्कार। क्रिएटिव बच्चे वही तो होते हैं जो नई नई वस्तुओं का, नए नए विचारों का प्रतिपादन करते हैं, खोजकर्ता बनते हैं। अगर आपसे ये पूछे सृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको टॉरेंस बता देना। स्वसृजनात्मकता के जनक पूछे तो आपको एडलर बता देना, सॉरी लिंड जी बता देना। और सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको बता देना एडलर। लेकिन यहां पर एक और बात आपसे ये पूछ सकता है कि मान लीजिए एक क्रिएटिव बालक है, एक सृजनशील बालक है, एक सृजनशील बालक का जो आईक्यू माना गया है, एक सृजनशील बालक का जो आईक्यू माना गया है वो कितना माना गया है? तो यहां पर दोस्तों समझने वाली बात ये रहेगी, इसका जो आईक्यू माना गया वो 90 से 110 यानी 91 से 109 माना गया है, 91 से 109 माना गया। लेकिन यहाँ पर अगर वो आपसे ये पूछता किस बालक के बराबर माना गया, तो आपको बता देना सामान्य बालक के बराबर इसका आईक्यू माना गया है। एक क्रिएटिव बालक में जो आईक्यू माना गया वो किस बालक के बराबर माना गया, तो आपको बता देना एक सामान्य बालक के बराबर माना गया। और एक सामान्य बालक का जो आईक्यू होता है वो 90 से 110 और 91 से 109 होता है। और बालक के श्रेणी से बालक के जनक मैंने आपको टॉरेंस बता दिया। लेकिन अब देखो, समझने वाली बात यहां पर ये रहेगी कि दोस्त, जब भी हम सृजनात्मकता की बात करेंगे, जब भी हम सृजनात्मकता की बात करेंगे, तो हमें समझना क्या है? जब भी आप सृजनात्मकता की बात करेंगे, तो आपको अमूर्त चिंतन शब्द दिखाई देगा, नवीन विचार शब्द दिखाई देगा, एक होगा समस्या समाधान शब्द दिखाई देगा। समझना। और एक होगा हमारा अपसारी चिंतन। यानी अगर आपको सीटेट के 150 प्रश्न में से, अगर आपको सीटेट के 150 प्रश्न में से किसी प्रश्न में सृजनात्मक या सृजनशील शब्द दिखाई दे रहा है, तो उसके 4 ऑप्शन में से अमूर्त चिंतन, नवीन विचार, समस्या समाधान या अपसारी चिंतन, जिस ऑप्शन में शब्द आ रहा है, राइट आंसर वही लगाना। क्योंकि क्रिएटिव बालक जो होता है वो अमूर्त चिंतन कल्पना में जीता है, नवीन विचार और नवीन वस्तु को प्रकट करता है, समस्या समाधान होता है और अपसारी चिंतन का प्रयोग करता है। और अपसारी चिंतन कंपलसरी आपके पेपर में पूछा जाता है, ये वाली बात हमें यहाँ पर समझ लेनी है।
अब बात यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए ठीक है ये होता क्या है, तो इसी से संबंधित यहाँ पर हम आपको चिंतन और बता दे रहे हैं कि चिंतन कितने प्रकार का होता है। तो मैं यहाँ पर आपको दो प्रकार का चिंतन पढ़ाऊंगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का पढ़ाऊंगा, जिसमें से मैं पहला पढ़ाऊंगा आपको अभिसारी चिंतन, और ये वाला क्वेश्चन आपको 100% अभिसारी चिंतन आपको 100% यहां से क्वेश्चन मिलेगा। अभिसारी चिंतन क्या होता है? इस चिंतन में किसी प्रश्न का आंसर पहले से फिक्स होता है। जो रटने पर बल देता है। समझने वाली बात यहां पर यह है, अभिसारी और अपसारी चिंतन 100% आपको एक नंबर देके जाएंगे। अब जैसे की बात हम कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? समझने वाली बात यहां पर आएगी, ऐसा चिंतन जिसका आंसर पहले से फिक्स होता है वो कौन सा चिंतन कहलाता है? तो आपको बताना अभिसारी चिंतन कहलाता है। ऐसा चिंतन जो कभी समस्या से केंद्रित नहीं होता, नवीन विचारों को उत्पादन नहीं करता, वो हमारा कौन सा चिंतन कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, यानी जिस प्रश्न का आंसर एक ही होगा, जिसमें आप एक से अधिक आंसर प्रकट नहीं कर सकते, वो कौन सा चिंतन कहलाता है? तो आपको बताना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इससे संबंधित थोड़ा मैं बीच में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो समझना, अगर आपको ऑल टीचिंग एग्जाम जिसमें आपकी साइकोलॉजी और पेडागोजी जो आती है, मान लीजिए जैसे आपका सीटेट आ रहा है 20 अगस्त का है, DSSS भी आएगा, आपका यूपी टेट भी आएगा, आपका NIOS भी आएगा, आपका सुपर टेट भी आएगा। ऑल टीचिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इससे संबंधित आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी के अगर नोट्स चाहिए जो मेरे खुद के हैंड रिटन लिखे हुए हैं, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7217377533। इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप इस वाले को जानकारी ले सकते हैं। इसी से संबंधित इसी नंबर पर आपको UGC नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, इसके भी नोट्स अवेलेबल है। आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स ऐसे होंगे जो आपके उस एग्जाम को यादगार बना देंगे। आप नोट्स का डेमो ले सकते हैं, नोट्स अगर आपको पसंद आए तो आप उनको परचेज कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं। लेकिन नोट्स साइकोलॉजी पेडागोजी ऑल टीचिंग एग्जाम CTET तो आपका पूरा डिक्टो का डिक्टो मेरे नोट्स मिलेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है आप लोगों से। तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, इस पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की बात चल रही है, क्रिएटिविटी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया, और क्रिएटिविटी की जब भी बात होगी तो यहाँ पर ये पूरा समझ में मैं बता दिया। उसमें मैं आपको चिंतन पढ़ा रहा हूँ, चिंतन दो प्रकार का मैंने आपको बता दिया। एक होता अभिसारी चिंतन, ऐसा चिंतन जिसका प्रश्न का आंसर पहले से फिक्स होता है वो अभिसारी चिंतन कहलाता है, जो कभी विचारों पर डिपेंड नहीं होता। अब इसके साथ में दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्त अपसारी चिंतन। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे तो आपको बताना अपसारी चिंतन। दिखाई दे रहा? देखो अपसारी चिंतन क्या होता है, इसमें किसी प्रश्न का आंसर एक से अधिक उत्तरों में अधिक विचारों में लिखा जाता है, विचारों में लिखा
जो समस्या केंद्रित होता है। अब आपको चिंतन मैंने दो प्रकार के पढ़ाए, एक पढ़ाए मैंने अभिसारी और एक पढ़ाए अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो होता है वो क्रिएटिविटी से संबंधित होता है और समस्या से संबंधित होता है। जो मैंने बताया ना सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा चिंतन कहलाता है, तो आपको बताना अपसारी चिंतन कहलाता है। ऐसा कौन सा चिंतन है जो छात्रों को रटने पर बल देता है, ऐसा कौन सा चिंतन है जो छात्रों को रटने पर बल देता है, तो आपको बताना अभिसारी चिंतन। ये किस पर बल देता है, रटने पर बल, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रश्न का एक से अधिक आंसर हो ही नहीं सकता, और जिस प्रश्न का एक से अधिक आंसर होता है और जो क्रिएटिविटी से संबंधित होता है, देखो सृजनात्मकता संबंधित मैंने आपको बताया है, और अपसारी चिंतन हमेशा समस्या से संबंधित होगा, नवीन विचार से भी होगा और अमूर्त से होगा। अब एक अगर हम जैसे की बात करें यहाँ पर, तो जैसे की बात करें तो आपको बताना कागज का क्या उपयोग है, कागज का क्या उपयोग है। अब इस प्रश्न के आंसर एक तो नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर एक तो नहीं होगा, एक से अधिक आंसर होंगे, और जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं उसको हम अपसारी या सृजनात्मक कहते हैं, अपसारी या सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। और ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि अभिसारी किसे कहते हैं और अपसारी किसे कहते हैं, ये क्लियर तरीके से आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर हम दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पर सृजनात्मकता की विधियों की, इसकी विधियों की बात करें तो इसकी विधियां भी पूछी जाती हैं, तो इसकी विधियां मैं आपको बता देता हूं। दो विधियां हैं, कौन विधियां, दो विधियां हैं इसमें। पहला हम पढ़ेंगे मस्तिष्क झंझावत विधि, मस्तिष्क झंझावत विधि। दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइनेटिक्स विधि। अब ये भी इस विधि के जनक है ओ एस गुड और इस विधि के जनक है गार्डनर। अब कभी कभी वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मस्तिष्क झंझावत विधि किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग की जाती है, तो यहां पर आपको बता देना क्रिएटिविटी बालकों के लिए, जो क्रिएटिविटी होती है उन बालकों के लिए मस्तिष्क झंझावत विधि का प्रयोग किया जाता है, मस्तिष्क झंझावत विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि सृजनात्मकता का चरण कौन कौन सा है, तो आपको चरण बता देना है, इसका चरण कौन सा है, तो इसको थोड़ा समझना चरण को। पहला आता है हमारा प्रीपरेशन, प्रीपरेशन, उसके बाद आता है इनक्यूबेशन, उसके बाद आएगा इल्यूमिनेशन, और उसके बाद आएगा वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या आएगा, वेरिफिकेशन आएगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, पहला हमारा प्रिपरेशन, दूसरा इनक्यूबेशन, तीसरा इल्यूमिनेशन और चौथा वेरिफिकेशन। अब प्रिपरेशन को हमने क्या बोला, तैयारी। इनक्यूबेशन को हम क्या बोलते हैं, अचेतन। इल्यूमिनेशन को क्या बोलते हैं, हम चेतन, और इसको बोलते हैं हम सत्यता की जांच। क्या बोलते हैं, सत्यता की जांच। यानी सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद हमारे दिमाग में अचेतन मन में विचार आते हैं, उस अचेतन मन में विचार के बाद फिर हम उसको चेतन में लाते हैं, फिर उसको क्लियर करते हैं, उस पर कोई कारोबार करते हैं, कोई वस्तु बनाते हैं, फिर उसकी जाँच करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ये क्रिएटिविटी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको पूरा नंबर दे दिया, आप उस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन जब भी क्रिएटिविटी की बात होगी तो आपको समझने वाली बात ये रहेगी, नवीन वस्तु, नवीन विचार, अमूर्त, कल्पना, समस्या समाधान और अपसारी चिंतन से संबंधित होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये था हमारा क्रिएटिविटी, क्योंकि हमारी जो CDP की क्लास चली है वो 30 डे की 30 क्लास चलेगी, जिसमें आपको 80 से 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपकी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।